अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे. फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. 32 का हमें स्क्वायर निकालना है. तो 32 मल्टीप्लाई 32 करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा. 32 को मैं 30+2 लिख सकती हूँ. एंड 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32+2 का स्क्वायर, ठीक है. अब ये क्या हो गया, ये एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. तो ये कुछ इसी फॉर्म में है. 30 जो है वो ए प्लस 2 है बी के फॉर्म में का होल स्क्वायर, ठीक है. तो इसका हम फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. इसको हम खोलेंगे, 30 का स्क्वायर 900, 2 इंटू 30 इंटू 2 120 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4. इनको हम सम कर देंगे, 32 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 1024, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट है 86. इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 86 को 80+6 के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसमें सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है. इनको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 3796. इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारा 3796, ठीक है. ये एक्चुअली क्या है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का आसान तरीका है, ठीक है. आप इनका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, नॉर्मल 86 को 86 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा लेंथ ही हो जाएगा, ठीक है. ये क्या है, थोड़ा शॉर्ट मेथड है. इसको हम एक ऐसे नंबर में, इन दो, इसको एक कुछ ऐसे दो नंबर का सम लेते हैं, सम या फिर सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हैं, जो कि ज़ीरो के फॉर्म में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 200 तक के फॉर्म में आता हो, जिसका स्केयर करना आसान हो, ठीक है. अब 80 का स्केयर सीधा 8864 एंड 1020 में कन्वर्ट हो जाएगी स्केयर में, आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से अगर 71 का स्केयर फाइंड आउट करेंगे तो क्या, 71 को हम 70+1 लिख सकते हैं, ठीक है. इसमें सेम फार्मूला हमने अप्लाई करा, हमारा आंसर आया 5041, ठीक है. तो ये हो गया 71 का स्केयर. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6, ठीक है. हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखनी है जिसका एक नंबर 6 है, ठीक है. तो हमें बाकी के दो नंबर्स और फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. तो हमने एक फार्मूला जो अभी पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, कि तीन नंबर्स 2n² - 1 और n² + 1, ठीक है. ये तीन नंबर्स कुछ इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है. तो एक नंबर हमें दिया गया है, लेट हम इसको 2n मान लेते हैं, ठीक है. तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 3. 2, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, n का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है. तो n का वैल्यू 3 है, तो n² - 1 निकाल लेंगे, आ जाएगा 8, और n² + 1 क्या आ गया, 10, ठीक है. तो बाकी के जो दो नंबर है वो क्या आ गए, 8 और 10. तो दस रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, 8, 10, ठीक है. इसी तरीके से इसमें यहाँ पे हमारे को एक नंबर है 14 दिया गया, इसको मैंने 2n के इक्वल्स रख लिया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है. n की वैल्यू पता है, तो हम n² - 1 और n² + 1 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है. जो आया 48 और 50, तो ये हमारे क्या, अगले दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए 7, 48 और 50, ठीक है. इसको हम फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे, 7² + 48 का स्केयर इज इक्वल टू होगा 50 का स्केयर. इसी तरीके से 16 है, ठीक है. उसको 2n के इक्वल्स पुट करा, तो n की वैल्यू क्या आई, 8 को इन दोनों, 8 की n हमारे को मिल गया, तो n² - 1 और n² + 1 हमने फाइंड आउट कर लिया, जो आया 63 और 65, ठीक है. तो हमारे तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गए, 8, 63, 65. इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर.